आपसे एक अलायंस तो संभाला नहीं जा रहा है, देश कैसे संभालेंगे? और रही बात निमंत्रण की, तो निमंत्रण तो कांग्रेस पार्टी को अभी कुछ दिन पहले भी मिला था, क्या गए? नीतीश कुमार की वजह से क्या अगर उनको सरकार बनानी है, अगर आप दोबारा आपके पास आएंगे तो क्या उनको दोबारा नहीं लेंगे? दुबे जी मैं पूरे देश के सामने दो विकल्प, एक तरफ है मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा का गठबंधन जिसका नेतृत्व जाचा परखा खड़ा मोदी जी का नेतृत्व, दूसरी तरफ है अज्ञात नेतृत्व का आपसी अंतर्विरोधों से भरा हुआ, भ्रम से भरा हुआ, हवा में लठ भजता हुआ एक गठबंधन, तो भरोसे की सरकार और भ्रम की सरकार, इन दोनों का अंतर है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यूज डिबेट रिएक्शन वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की ये डिबेट बड़ी खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इंडी गठबंधन में बहुत बड़ी फूट पड़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि वो अब एनडीए के साथ शामिल हो गए, जिसको देखते हुए दोस्तों विपक्षी दल यानी इंडी गठबंधन बौखला चुका है। दोस्तों आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है, जिसमें दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता इस डिबेट में शामिल रहेंगे, और इन सभी के बीच में आपको काफ़ी तीखी बहस इसी मुद्दे पर इस डिबेट में देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इस वीडियो को अंतर दोस्तों देख के जाइएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। न्याय यात्रा का क्या होगा? ममता दी ने भी नहीं ज्वाइन किया, यहां पर भी कोई नहीं ज्वाइन कर रहा है, क्यों इतने अलग अलग कांग्रेस में ऐसे क्या महागठबंधन? एक सेकंड, 38% 39% वोट से ये जीतते हैं, इसलिए आइए हम लोग मिलकर एक कैंडिडेट वर्सेस बीजेपी लड़ाई करेंगे, यही था ना इंडिया गठबंधन का पूरा जो प्लान था? मैंने आपको कहा कि हमने बड़े नहीं, आप सवाल तक आइए, ममता बनर्जी कौन कराएगा इंडिया गठबंधन की बैठक, अब ये बताइए। ममता बनर्जी भी खिसक ली हैं, अगर आप देखें तो नीतीश कुमार निकल लिए हैं, कौन पहल करेगा? देखिए नीतीश कुमार जी जो निकल लिए हैं वो उनके दल का अस्तित्व खतरे में था, उनको थ्रेट था भारतीय जनता पार्टी से, और जेडीयू के कुछ नेताओं ने ये बात कही है कि आप चिंता मत करिए सीट लेने गए हैं, नीतीश बाबू चुनाव होते ही वापस सीट लेकर खसक लेंगे, उनके उस पर भरोसा मत कीजिए। लेकिन एक बात बताओ, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो चाहे महाराष्ट्र हो, हमने हर जगह बड़े हृदय से राहुल गांधी जी ने हर संभव कोशिश की है कि हम अच्छा तालमेल बिठा करके। ममता दी क्यों नहीं आई इनविटेशन देने पर भी, उन्होंने पहले कहा हमें बताया ही नहीं था। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम है, हमने कहा है कि जो प्रतिपक्षी दल साथ आना चाहे, हमने तो इनको भी न्योता दिया था, हमने इनको कहा, आज भी कह रहा हूँ कि आइए देश बचाने की लड़ाई है। सुधांशु जी न्याय यात्रा में, हाँ हमने कहा इनको पहले भी, भारत जोड़ो यात्रा में भी निमंत्रण दिया था, हमारी पांच जो भारत के संविधान के पांच प्रमुख स्तंभ है वो आज संकट में है। भारत के इतिहास का पहला प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में खड़ा हुआ, टीवी नच मारा, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, हमारे नहीं थे, अब क्या इतिहास में जो है नहीं, आज आपकी सरकार है उस पर जवाब दीजिए। इतने लोगों को जो सत्ता के साथ गठबंधन बनाया छोड़ कर क्यों रखा है, उसका जवाब देश की जनता जानना चाहती है, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के दल जानना चाहते हैं। अब बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, अनुमति बिल्कुल सही, अपने अपने नेताओं को भ्रष्ट का सर्टिफिकेट देने में इनसे बड़ा कोई सानी नहीं है। ये जिन जिन चीजों पे कह रहे हैं उस पे कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि अजीत पवार का हुआ ही नहीं था, इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि शारदा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मगर आज कहते हुआ था, हम भ्रष्ट थे। और बताओ भ्रष्टाचार में क्या हुआ, पहले बताइए हुआ था भ्रष्टाचार की नहीं? अच्छा मैं जवाब, पहले भ्रष्टाचार हुआ था कि ना? आप देखिए, आप जवाब ना बोलिए, आपकी सरकार सही थी, आप सही है। अब मैं बताता हूँ, सुनिए अब दुबे जी, प्लीज अब बहुत हो गया, अब सर बहुत हो गया, आप तो कायदे से डिबेट करते हैं, तरीका ठीक नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, अरे जेल में क्या तरीका है, अजीत पवार का 2021 का नोटिस है, अरे दुबे जी वो बैंक के स्कैम में शामिल हो, दुबे जी मैं कह रही हूँ यहाँ जाइए, मैं हट जाती हूँ, आपकी सरकार में हुआ था, आपकी सरकार में हुआ था, बोलिए और अगर जेल में जाने की बात है, इमरजेंसी में पूरा विपक्ष जेल में था, उसके बाद चुनाव जीत के आए। जॉर्ज फर्नांडिस जी को बड़ौदा डायनामाइट केस में, जिसे आज आतंकवाद के समकक्ष केस में, हाथ में हथकड़ी लगा के सड़क पर चलाया गया था, 354,000 वोट से जीत के आए थे, जो उस समय तक भारत में रिकॉर्ड था। ऐसा नहीं है, अगर जनता सारी बात देखती है, कौन सच के साथ है कौन उसके साथ है। और आमदनी की बात, भाई ये तो सारी पार्टियां वो हैं जिनके परिवारों ने पिछली तीन तीन पीढ़ी से न बिजनेस किया है न नौकरी की है, और सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है। पहले ये तो बताओ, ये आमदनी इतनी आती कहां से? युवाओं को बताइए कि वो कौन सा तरीका है आमदनी लाने का। अब एक और बात बताता हूं, देखिए साहब, ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना की बात एक कर्नाटक में करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? कर्नाटक में तो डिप्टी सीएम कहे हुए हैं कि अगर करवाई तो मैं सड़क पे उतर आऊंगा। और मैं बता रहा हूं, राज्यसभा की प्रोसीडिंग में जाके देखिए, जब खड़गे जी खड़े हुए तो हमारे राज्यसभा में जो प्रहलाद जोशी जी जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार तो कर्नाटक में विरोध कर रही है, डिप्टी सीएम ओपनली बोल चुके हैं, तो उनके मुंह से निकल गया वो तो आप ही की तरह है। हम लोगों ने कहा क्या कहना चाह रहे हैं साहब, कि वो आपकी तरफ है, जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष है वहां अपने राज्य में जहां एब्सोल्यूट पावर है 220 की
जी उसमें 135 है, वो आप कर नहीं पा रहे हैं। रिकॉर्ड है ना डीके शिवकुमार के लिए, खड़गे साहब ने कहा ना अंजना जी आपके जैसा। अंजना जी तेलंगाना में भी छोटा जवाब दीजिएगा, बिल्कुल हाँ तेलंगाना में भी स्टार्ट कर दी, कर्नाटका में भी हम शुरू कर रहे हैं। इन्होंने शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में, सुनिए मुझे इंटरव्यू में कहा था सबसे पहले मैंने किया, नीतीश कुमार ने बाद में किया, रिलीज 2011 में हम करा चुके हैं, इन्होंने छुपा ली वो रिपोर्ट। हम तो सदन के पटल पर रजिस्ट्रार जनरल सेंसेस को अप्रैल 2014 तक क्यों नहीं बता दिया? अप्रैल 2000 ऐसा नहीं होता कि रातों रात हो जाए, 3 साल का वक्त लगा। 2014 अप्रैल इन्होंने शपथ पत्र में ये बात कही सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में कि अप्रैल में वो सबमिट हुई थी नीति आयोग। यात्रा पर भी तो कह दूं, देखिए राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी पूरी तरीके से निश्चिंत है न्याय यात्रा में, वो बेफिक्र होकर चल रहे हैं, वो कह रहे हैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, इसलिए वो बात कही। बहुत सिंपल सवाल है आपसे, एक अलायंस तो संभाला नहीं जा रहा है, देश कैसे संभालेंगे? और रही बात निमंत्रण की, तो निमंत्रण तो कांग्रेस पार्टी को अभी कुछ दिन पहले भी मिला था, क्या गए प्राण प्रतिष्ठा की बात कर, अलायंस संभल नहीं रहा, देश क्या संभालेंगे? दुबे सर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जब खड़गे साहब ये सवाल ये स्टेटमेंट देते हैं कि तानाशाही आ जाएगी, इलेक्शंस नहीं होंगे, क्या कांग्रेस ये मान चुकी है कि सारी ऑटोनॉमस बॉडीज, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या जुडिशरी हो या एग्जीक्यूटिव हो या फॉर हम लोग हो जिनकी हमारी सिर्फ एक निशान की आप कह रहे थे हमारी उससे ज्यादा कोई यूज नहीं है, हम सब इतने कमजोर हैं कि हम लोग तानाशाही चलने भी देंगे इस देश में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6 महीने हो गए, 6 माह समय नहीं दे रहा प्रतिपक्षी दल को, हम वोटिंग मशीन पर कुछ गंभीर हमारी आपत्तियां है, वक्त नहीं दे रहा है, एक सुनवाई बुलाया था तो नहीं गया था। के लिए बुलाया था। सवाल है कि आप बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के ठेकेदार बनते हैं, आपने आपकी ही पार्टी ने वक्त बोर्ड जैसा जब एक्ट लाया तो आर्टिकल 14 और 15 का अबॉलिशन नहीं हुआ, प्लस आपने आप अभी इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं नीतीश कुमार की वजह से, क्या अगर उनको सरकार बनानी है, अगर आप दोबारा उनके आपके पास आएंगे तो क्या आप उनको दोबारा नहीं लेंगे? सवाल आपसे ये है कि आप हमेशा ईडी और सीबीआई की बात करते रहते हैं कि ईडी सीबीआई सबसे दोषी है, जब 2002 में नरेंद्र मोदी का 6 घंटे तक इंटोग्रेशन उनसे पूछताछ किया, इंटोग्रेशन किया गया था, तब सीबीआई दोषी नहीं थी? जब 2010 या 2008 में अगर मैं गलत हूं तो सही करिएगा, अमित शाह जी जब जेल गए थे तब क्या उस टाइम पर ईडी और सीबीआई गलत नहीं थी? वो न्यायालय ने आप कर ली आप बात, उनसे भी नहीं तो न्यायालय तक तो बात जा रही है ईडी सीबीआई के इंटोग्रेशन के बाद, लेकिन क्या उस टाइम पर ये गलत नहीं थे? अभी सब गलत हो जा रहे उस टाइम पर नहीं थे? अब इतनी सारी बातों का छोटा सा जवाब तो एक ही दे देता हूं कि पूरे देश के सामने दो विकल्प है, एक तरफ है मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा का गठबंधन जिसका नेतृत्व जाचा परखा खरा, मोदी जी का नेतृत्व अजमाया हुआ, जिसने देश के अंदर विकास, जन कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक गौरव और विदेश में मान सब कुछ बढ़ाया। दूसरी तरफ है अज्ञात नेतृत्व का, आपसी अंतर्विरोधों से भरा हुआ, भ्रम से भरा हुआ, हवा में लठ भांजता हुआ एक गठबंधन, तो भरोसे की सरकार और भ्रम की सरकार, इन दोनों का अंतर है। दोस्तों सबसे पहले सभी सच्चे देशभक्त और रामभक्त प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिखे जाएगा। बात ही दोस्तों आज की इस डिबेट की, दोस्तों आज की डिबेट इंडी गठबंधन में जो पड़ी फूट के ऊपर थी, जिसमें दोस्तों सभी पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपने अपने पक्ष डिबेट में रखे, लेकिन दोस्तों आज की मतलब जो अभी हाल ही में जो राजनीति में हो रहा है उसको देख के ये स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार को पलटू राम यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि वो अब फिर से पलट कर अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं, जिसको देखते हुए दोस्तों इंडी गठबंधन बौखला चुका है, वो लगातार आए दिन अनाप शनाप बयान इन दिनों देता हुआ दिखाई दे रहा है और राजनीति भी काफ़ी गर्मा चुकी है और लगातार इन राजनीति में फेरबदल भी हमें दिखाई दे रहा है। अब बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है वो तो सभी के सामने हो चुका है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया तब से दोस्तों कांग्रेस में भी फूट पड़ने की काफ़ी खबरें इन दिनों आ रही है। खैर दोस्तों आपकी क्या राय इस डिबेट को लेकर, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने सही किया या गलत किया, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।